खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आ चुकी हूँ, तो पीहर आने का मेरा मेन रीजन था कि मतलब 9 मार्च की शादी है उसकी, तो उसी के लिए मैं आई थी। मैं रेडी हो रही हूँ और सुबह से इतना कन्फ्यूजन चल रहा है कि मेरा सर ही दुखने लगा है, मतलब बहुत चीजें दिमाग। हाँ, सो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और दुर्गा को मैं घर पे छोड़ के जा रही हूँ, तो शायद वो उसको ले आएंगे, मे भी वो उसको ले आए। उसको तैयार कर दिया मैंने, पर वो सो गई, तो ठीक है छोड़ जाते हैं उसको यहीं पे, निकलते हैं घर से। सुबह से तैयार होके बैठी हूँ मैं, सुबह अब तैयार हो रखी है। अब लाभदार भी दुर्गा तक छोटे ही बताइए तैयार कर रही। मेहंदी लगवा रही है ना प्रीति, ये लग चुकी है हमारी प्रीति की मेहंदी, और देखो चेहरे पे खुशी, देखो मेहंदी बहुत जल्दी मेरी पड़ोसन बन जाएगी। और निशा ये अभी हमारी नई नई नवेली, क्या बोलते हैं, चार साल बाद में बहुत पतला बेटा तो इम्प्रूव तो भी ले लो, बस उसे अब तो ही कहीं डिफरेंस लग गया भाई। अरे भाई को दे दे भाई, हां हर कैमरा लगा गाय को की आ रही मम्मा, आ जा आ रही मम्मा रे बावली। सो हम लोग हो चुके हैं रेडी, ये देखो निशा भी रेडी हो चुकी है, इसको आज मैंने तैयार किया। अब चलते हैं शादी वालों के घर पे, निशा का घर क्या बिल्कुल सामने ही प्रीति के घर के, तो हम लोग वहीं रुक गए। दोपहर में भी मैं यहीं रुक गई थी, अभी तैयार होने के लिए भी मैं यहीं आ गई। अब चलते हैं। Yeah.
हम लोग आ चुके हैं घर, अभी 12 बज रहे रात के और मैं घर आ गई हूँ। और वहां पे मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी भीड़ थी, तो सबके गाने ऑलरेडी ऐसे थे, वो मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैंने ऐसे ग्रुप डांस किया, फिर मैं आ गई घर पे क्योंकि दुर्गा इतना रोने लगी थी बहुत ज्यादा, इसलिए उसको लेके आना पड़ा। और आज के ब्लॉग में मैं कुछ ज्यादा शेयर नहीं कर पाई शादी की चीजें, बट आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, जा पाते हैं या नहीं जा पाते, तो कल आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।